अमित सिंह, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कटसाव। तो बाकी आप तो कुछ देख ही रहे होंगे, कुछ प्यारे प्यारे कुछ क्यूट क्यूट बच्चे देख रहे होंगे आपको। ये पॉमेलियन है, फीमेल पपी है। प्रवेश भैया को हमारे चाहिए था जो हमारे निजामबाद से आए हुए हैं, और ये इतने प्यारा है, इतना प्यारी है कि मुझको मुझको खुद देने का मन नहीं कर रहा था भैया। पूरे घर भर हमारा पूरा एकदम परेशान की, रात भर मुझे सोने नहीं दिए। और बाकी प्रवेश भैया से पूछता हूँ उनको कैसा लगा ये ब्रीफ भैया। बहुत अच्छा लगा ये पपी, काफ़ी इंतजार करने वाला, बहुत बेहतर क्वान्टिटी, इतना दिन इंतजार किए और आपको संतुष्टि है? बहुत बहुत संतुष्ट है इससे। तो इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है, एक वीडियो में मैंने और भी बोला था, तो इंतजार का फल भैया वो मिल गया है। और इतना प्यारी, इतनी प्यारी क्यूट सी पपी है ये कि दिल आ जाए, किसी को भी दिल आ जाएगा। तो कभी भी आप कोई भी डॉग लीजिए तो उसका चयन अच्छे से करिए कि आपको कौन सा ब्रीड चाहिए, कौन सा चयना चाहिए। किसी के चढ़ावे में आके आप ब्रीड कभी मत लीजिए, क्योंकि आपने घर की स्पेस और अपना जो भी चीज़ है आप उसको सोचिए समझिए, फिर ब्रीड का चयन किया करिए। कई लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं बाहरी लोग कि ये ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, जर्मन ही है तो उल्टा छोटे बाल वाले ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए, वैसा ले लीजिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लीजिए तो क्वालिटी लीजिए, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कभी ज़िंदगी में मत करिएगा, क्योंकि वो 12 साल 13 साल आपके साथ रहेगा। और आप लोग सोचते हैं कि बस हमको जल्दी से मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बस हमको दे दीजिए, ये नहीं भूल जाते हैं कि आपके साथ 12 साल 10 साल आपके घर का सदस्य बनकर रहेगा। तो कभी भी लीजिए तो क्वालिटी लीजिए, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ मत करिए। और आपको मैं यही कहूँगा कि यार इतना मैं मेहनत करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ, नई नई वीडियो लेके आता हूँ आपके लिए, तो यार मेरा वीडियो शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और प्रेज भैया संतुष्ट है ये, मेरे व्यूवर्स को कुछ बोलना चाहते हैं तो बता दीजिए। भैया को खूब सपोर्ट करिए, भैया का चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए वीडियो को, ठीक है? बहुत क्यूट पपी दिए हैं, इसका नाम भी सोच रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो ऐसे ही अपना प्यार मोहब्बत बनाए रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।